बाहर में कर्म धर्म सब बात करते रहते हैं, पर मेरे भाई अपन लोग अपने अतीत के बोए गए कर्म के बीजों को काटने के प्रति जागरूक नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा लोग कभी कभार एकादशी और पंचमी का व्रत या उपवास कर लेते होंगे, कभी कभार बैठ करके प्रतिक्रमण के पाठों को दोहरा लेते होंगे, कभी कभार महावीर या महादेव के मंदिर में जाकर के अपना मत्था टेक आते होंगे, और क्या कर लेते होंगे अपन लोग, ठीक है दो पैसा दान कर देते होंगे, और अपन लोग क्या कर लेते होंगे, अपने जो कर्म के बीज हैं, अपने जो राग द्वेष हैं, जो हमारे अंतर मन में जिनकी धाराएं जिनके संस्कार अपन लोगों के भीतर व्याप्त रहा करते हैं, अपन लोग अपने राग द्वेषों को काटने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, एक पल लगता है। वो ध्यान रखिएगा कि अपन सारे लोग जो धार्मिक कहलाते हैं, एक पल लगता है अपन लोगों को गुस्सा आने में, एक पल लगता है यूं टैश चढ़ने में, ठंडे 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 खूब दिखाई देते हैं, पर एक पल लगता है गर्म होने में। मैं सोच रहा था कि आज के जमाने में फ्रिज घर घर क्यों पहुंच गए हैं, कूलर घर घर क्यों पहुंच गए हैं। पहले जमाने में क्या लोग नहीं होते थे क्या, पहले जमाने में क्या लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी क्या। आज के जमाने में जिधर देखो रोज हर शहर में दो चार पांच तो आत्महत्याएं हो रही हैं, रोज ही अखबारों में पढ़ने को मिलता है बेटे ने मां की हत्या कर डाली, पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। यानी कि दिमाग इतने लोगों के गर्म हो गए हैं, सहनशीलता खत्म हो गई है कि अब घर घर में कूलर की जरूरत आ पड़ी है। क्या किया जाए भाई, जब तक हांसा में हांसा करते रहो तब तक सब ठीक है। अब बोले कि भाई सत्य भी बोलो खुशामदी भी रखो, तब दोनों बात कैसे हो सकती है। सत्य बोलेंगे तो खुशामदी कैसे होगी, पर भाई खुश भी रखो अगले को और सत्य भी बोलो, असत्य पसंद नहीं, सत्य सुनने की औकात नहीं, अब क्या किया जाए। अब आज का जमाना तो केवल हांसा हूंसा, ओ पदरोसा के हांसा, बस अब केवल ये फुलके पर पलेथन लगाने वाला जमाना आ गया है, और बस दिन भर वही करते रहो। एक पल लगता है आदमी को गुस्सा आने में, सारा धर्म सारा कर्म दिन भर की गई सारी सामायिक सारी प्रार्थना एक पल के गुस्से में व्यर्थ हो जाती है, एक सेकंड में टिप्पणी कर देते हैं अपन, मतलब एक सेकंड लगता है, इतना संभल संभल के बोलना पड़ता है मुझे तो, कि यार कहीं भी खुदा ना खास्ता कहीं कोई सत्य बात बोल बैठा और अगला लेने का देना पड़ जाएगा। तो चलने दो, गंगा जी जैसी बहती है वैसी ठीक है, राम तेरी भी गंगा मैली हो गई ठीक है, हम भी मैले के रूप में बहते रहेंगे। जमाना बहुत बदल गया, अब सत्य की विपश्यना और सत्य की अनुपश्यना लोग नहीं कर रहे हैं, अब तो जो रोटी पर पलेथन लगा हुआ है ना बस उसी की ही विपश्यना और अनुपश्यना हो रही है। ये जो काया बाईसा है ना बस इसी के साज श्रृंगार की विपश्यना और अनुपश्यना हो रही है। इस काया के भीतर रहने वाला जो हाड़ मांस गंदगी मल मूत्र कफ थूक, जो मल मूत्र गाय के जो गोबर जो कुछ भी अपन इनको कह दें, ये जो भी अपन लोगों के भीतर अब पवित्र स्थितियां जो अपन लोगों के भीतर भरी हुई है उनकी विपश्यना और अनुपश्यना कौन कर रहा है, मतलब भीतर के तत्व तक कौन उतर रहा है। सब अपन लोग बाहर बाहर, धर्म कर्म भी सब बाहर बाहर, चढ़ावे बोल दो बोलियां बोल दो मंदिर बना लो, बस अब सब कुछ सारा धर्म और बाहर बाहर हो गया है, अब भीतर का धर्म तो बचा ही नहीं। ऐसा हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऐसा हुआ कि ऊपर स्वर्ग में और निर्वाण सिद्ध शिला पर सारे भगवान जी, राम जी भी कृष्ण जी भी महावीर जी भी बुद्ध जी भी जीसस जी भी सारे जी जी जितने भी हैं सब महान लोग, उन्होंने मीटिंग की ऊपर में कि यार जब तक अपन जिए थे तो दुनिया वालों ने महावीर के कानों में कीले ठोके, जीसस को सूली पर चढ़ाया सलीब पर चढ़ाया सुकरात को जहर पिलाया, तो यार जब तक अपन जिए तब तक अपन लोगों की कोई इज्जत नहीं थी, तो एक काम करें अब तो ये सारी दुनिया अपनी खूब पूजा करती है, करोड़ों जैनी हैं करोड़ों करोड़ों हिंदू हैं करोड़ों करोड़ों मुसलमान और करोड़ों करोड़ ईसाई हैं, तो भाई अब तो इतने सारे अपने नाम पर मंदिर बने हुए हैं चर्च बने हुए हैं गिरजे बने हुए हैं
मस्जिदें बनी हुई है, तो खूब इस समय तो अपन लोगों की खूब पूछ है, जब तक वो जिए सशरीर रहे, पता नहीं कितनों ने पूछा और कितनों ने लताड़ा, पर सबने, सारे तीर्थंकरों ने, सारे भगवानों ने आपस में चर्चा विमर्श की और निर्णय किया कि भाई इस समय अपनी पूछ बड़ी जोरदार है, अपन धरती पर चलते हैं, खूब मंदिरों की प्रतिष्ठाएं हो रही है, खूब मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, रोज लोग अपने नाम की मालाएं जपते हैं, तो ठीक है। वो सारे भगवान अपने अपने धर्म के जो अनुयायी थे उनके पास निकल पड़े, तो एक जगह कि महावीर जी समझ लो आए होंगे, कि राम जी आए होंगे, वो आए और आकर के देखा कि भाई अमुक नगर में बड़ी जोरदार प्रतिष्ठा हो रही है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही है और लोग उनके पत्थर की मूर्ति को बैठाने के लिए 5 करोड़ का चढ़ावा ले रहे हैं और उनके मंदिर के शिखर पर एक कपड़े की ध्वजा चढ़ाने के लिए 1.25 करोड़ का चढ़ावा, बोले यार जबरदस्त अपनी पूछ हो गई है, जीते जी इतनी पूछ नहीं थी है। दुनिया के जो भी महापुरुष होते हैं ना, मरने के बाद ही पूजे जाते हैं, जीते जी तो बेचारे गालियां खाते हैं। खैर गालियां खाते हैं इसीलिए तो वो महान बनते हैं। अगर जीसस को सलीब पर न चढ़ाया होता तो जीसस क्या इतने विश्वविख्यात बनते? महावीर के कानों में अगर कीले न ठोके होते और उन्होंने अगर इतनी महान समता और सहनशीलता न दिखाई होती तो क्या महावीर आज इस तरह पूजे जाते? ठीक है, वो भगवान जी ऊपर से नीचे आए और देखा खूब प्रतिष्ठा हो रही है, जबरदस्त 1 लाख लोगों का जीवन हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इतने में ही महावीर जी और राम जी दोनों साथ साथ आए थे कि भाई ऊपर से निकल के आए हैं तो साथ साथ अपने भारत में चलेगा साथ साथ, तो दोनों चले आए, मंदिरों की प्रतिष्ठा चल रही थी। तो जैसे ही किसी ने उनको देखा तो लोग चिल्ला पड़े, आ भाई आ आ भाई, बहु रुपया, इसको भी 1 रुपया दो। लोगों ने कहा, राम जी को देखा तो कहा कि ये बहु रुपया बड़ा जोरदार या स्वांग बना के आया, क्या धनुष टिकाया तूने और क्या चेहरे पर राम की तरह मुस्कान लेकर आयो, भाई इसको भी 1 रुपया दो। महावीर स्वामी जी की हालत खराब हो गई, महावीर स्वामी जी तो अपने दिगंबर महाराज हैं, तो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के आए थे, तो जैसे ही महावीर स्वामी को देखा लोग लाठियां लेकर के निकल पड़े कि अरे रे ये कौन सा तरीका हो गया, मंगल कार्य में अमंगल ये कौन आ गया आदमी, कौन पागल आदमी आ गया। महावीर स्वामी घबराए, अरे यार तुम लोग इतनी पूजा कर करके तो मुझे बुला रहे हो, इतने मंत्र बोल रहे हो, इतने रात भर मेरे नाम के आह्वान कर रहे हो, इतनी पूजा आरती की है, तुम्हें ऊपर से प्रकट हो गया। बोले हो ये केवल निर्वस्त्र ही नहीं है, दिमाग से लूज भी है। तो भगवान जी घबराए कि यार मैं तो क्या सोच के आया और यहां के लोग कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा तुम लोग मुझे नहीं पहचानते, वो अंदर में जो प्रतिष्ठा करवा रहा ना चंद्रप्रभ जी, उसको पकड़ के ले आओ है, वो मुझे पहचान जाएगा, वो बड़ा ध्यान व्यान करता है, ऐसा कहते हैं लोग कि वो बड़ा ध्यान व्यान करता है, उसको पकड़ के ले आओ। तो लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आए, बोले कि बाहर में एक इस तरह से एक आधा गैला आदमी आया, वो है अपने आप को महावीर स्वामी कह रहा है। तो मैंने कहा अच्छा महावीर स्वामी जी कह रहे हैं अपने आप को, तो मैं गया सामने सेवा में उनके प्रस्तुत हुआ और मैंने दूर से ही देखा उनके दिव्य आभा मंडल को, उनके तेज को देखा, तो मैं पहचान गया कि आज प्रभु ने बड़ी भगवत कृपा की है, सुख पधारे हैं इस आंगन में। तो मैंने भगवान जी के पास जाकर कहा प्रभु पधारिए बड़ी कृपा हुई। बोले क्या पधारिए बड़ी कृपा हुई है, ये सारे जो अनुयायी हैं ये तो मुझे ऐसे वैसे कह रहे हैं। मैंने कहा प्रभु जी आप मेरे साथ आइए। मैं प्रभु जी को कमरे में लेकर गया और प्रभु जी से कहा प्रभु जी ये जो दुनिया है ना, ये जब तक आप जिए थे तब तक भी किसी ने आपको सलीब पर चढ़ाया और किसी ने आपके कानों में कीले ठोकी, और आज भी अगर आप फिर अपने आप को प्रकट करके ले आएंगे तो आज भी आपके साथ वही हालात होने वाले हैं। ये जो दुनिया है, ये दुनिया सच्चे सत्य को पूजने वाली नहीं है, ये जो दुनिया है ये बाहरी दिखने वाले सत्य को ही पूजने वाली दुनिया है, इसलिए मेहरबानी करके आपने मुझे दर्शन दिए, बड़ी कृपा की,
मैं आपके श्री चरणों की धूल को अपने माथे से लगाकर आनंद ले रहा हूं, पर कृपा करके आप वापस ऊपर पधार जाएं, आप अपने दिव्य स्थान पर पधार जाएं। ये दुनिया बाहरी सत्य को पूजने की आदि है, ये दुनिया सच्चे सत्य से मुलाकात करने की अभ्यस्त नहीं है। सच्चा सत्य इसके सामने आएगा तो ये दुनिया दुत्कारेगी, बहुरूपिया कहेगी, पर अगर दिखावी सत्य को पेश किया जाएगा, बाहरी आडंबरों को पेश किया जाएगा तो ये दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी, मचलेगी। यही दुनिया का स्वरूप है। विपश्यना, अनुपश्यना, अनुपश्यना यानी अपने आप को देखना, लगातार देखना, विशेष रूप से देखना, अपने सत्य को देखना। मेरे भाई बहनों, जब अपन लोग साधना के मार्ग पर चलते हुए सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अपने आरोपित सत्यों को नहीं समझना है। हमने जो सत्य ओढ़ रखे हैं अपने मन पर, उन सत्यों को हमें दरकिनार करना होगा और हमें उस सत्य से रूबरू होना होगा जो कि वास्तविक तौर पर हमारी अनुभूति में अभी, आज ही नहीं, अभी इसी क्षण जो हमारी अनुभूति में आ सकता है, हम उस सत्य से अपनी मुलाकात करेंगे, उस सत्य के करीब अपने आप को लेकर के जाएंगे। ये जो साधना का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, ये अपने आप को चिन्हने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का मार्ग है। जो भी है, जैसे भी है, खरे हैं तो भी, खोटे हैं तो भी, दूसरे से मुलाकातें खूब कर ली, अपने आप से मुलाकात करनी है, दूसरों का सम्यक दर्शन खूब कर लिया, अपने आप का सम्यक दर्शन करना है। जो भी है, जैसे भी है, अपन अपने आप से मुलाकात करेंगे। एक तरह से आज अपन लोगों ने एक कदम बढ़ाने का साहस किया है उस पहाड़ की तरफ जो कि साधारण जमीन से ऊपर है, उस पहाड़ की तरफ जो कि साधारण जमीन से ऊपर है। तो अपन लोगों ने एक कदम जब बढ़ाया है, भीतर की आंख खोलने की थोड़ी सी कृपा की है आप लोगों ने कि अब हम लोग थोड़े से अपने सत्य से रूबरू होंगे। ये जो जिज्ञासा आज जगी है, ये जो प्यास आज जगी है, अपन लोग अब धीरे 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 विपश्यना के, अनुपश्यना के इसी दिव्य मार्ग का आनंद लेंगे और रूबरू होते चले जाएंगे, अपने आप से खोल खोल कर अपने आप को देखेंगे। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरी चेतना कहां उलझी हुई है, मेरे कौन से विकार हैं, मेरी कौन सी कमजोरियां हैं, मेरी कौन सी खासियतें हैं। धीरे धीरे अपने आप को खोलते चले जाएंगे और अपनी आत्मकथा को पढ़ते रहेंगे। दूसरों को जानना सरल है, किताब को पढ़ना सरल है, पर अपने आप को पढ़ना कठिन है। क्या करें, कठिनाई के रास्ते पर भी अपन लोगों को चलना पड़ेगा। यहां कठिन जैसा कुछ नहीं है, यहां केवल अपने आप को तपस्वी बनाने की जरूरत है, बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है, अपने आप को तपाने की जरूरत है, आंख खोलकर देखने की जरूरत है। याद रखो, आंख खोलना ही सम्यक दर्शन है और आंख बंद करना ही मिथ्या दर्शन और मिथ्या दृष्टि है। आंख खोलेंगे और धीरे धीरे अपने आप को पहचानेंगे, अंतर्दृष्टि ही मूल्यवान हुआ करती है। आज प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। नमस्कार।